अतीक अहमद के घर रेड में खुले कई राज प्रयागराज से लखनऊ तक कैसे फैल रखा था खौफ। प्रयागराज शूटआउट में फरार माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुराना महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में एसटीएफ ने मंगलवार रात छापा मारा तो एक नई कहानी सामने आई है। इससे भी साफ हुआ कि अतीक की दहशत प्रयागराज ही नहीं लखनऊ तक कायम है। इस अपार्टमेंट के जिस फ्लैट पर एसटीएफ ने छापा मारा वह वर्ष 2012 में फ्लैट मालिक करेली प्रयागराज निवासी खालिद फरीदी ने अपने परिचित के कहने पर अतीक को दिया था। मंगलवार रात जब फ्लैट के बारे में एसटीएफ और महानगर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि खालिद फरीदी को उसके परिचित ने बताया था कि उनके मित्र अतीक बड़े व्यापारी हैं, उन्हें अपना मकान लखनऊ में बनवाने के लिए 3-4 महीने के लिए फ्लैट किराए पर चाहिए। उस समय वह नहीं जान सके थे कि अतीक कोई व्यापारी नहीं बल्कि अतीक अहमद है। यहाँ अतीक कभी कभार ही आए, बेटा असद ही अक्सर रुकता था। एक साल तक फ्लैट नहीं छोड़ा गया तो खालिद ने खाली करने को कहा, मगर फ्लैट खाली नहीं किया गया। खालिद ने अफसरों से शिकायत की, अपने परिचित से कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बीच उनकी मौत हो गई। इसके बाद खालिद की पत्नी फातिमा ने कुछ दिन कोशिश की लेकिन असद उन्हें सख्त लहजे में टालता रहा। अब वह भी दहशत में चुप है। खौफ के चलते फातिमा ने एसटीएफ अफसरों से कुछ खास नहीं कहा, लेकिन यहां रहने वालों ने बताया कि 3 कमरों का यह फ्लैट सब खर्चे समेत 40 लाख में खालिद ने लिया था। यहीं के फयाज ने बताया कि असद इसे बहुत कम दामों में बेचने के लिए फातिमा पर दबाव बनाता था। फातिमा बेचने के लिए राजी नहीं हुई। छापे के दौरान मौजूद एसटीएफ के डिप्टी एसपी और 2 इंस्पेक्टर को आसपास के फ्लैट के लोगों ने बताया कि असद 3-4 लोगों के साथ आता था, 4-5 दिन रुकता फिर चला जाता था। इस अपार्टमेंट में घुसते ही पार्किंग की तरफ कनेक्शन स्विच बोर्ड लगा है, इससे इनके फ्लैट का कनेक्शन नहीं था बल्कि कटिया से इनकी बिजली चलती थी। कमरे में एसी भी लगे मिले थे, साथ ही मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं जमा किया जाता था। इस अपार्टमेंट में 25 फ्लैट है। अपार्टमेंट पर दबी जुबान लोगों ने कई खुलासे किए हैं।